कपड़े खरीदे हैं। मुझे भी नए कपड़े लेके दे, मैं भी ईद के दिन पहनूंगा। बेटा शाम को वडेरे साईं से पैसे लेके मैं आपको कपड़े खरीद के दूंगा। नहीं अबू, मुझे अभी चल कर लेके दे। बेटा मैं अभी काम कर रहा हूँ, काम से फारिग होकर वडेरे साईं से पैसे लेकर आपको मैं नए कपड़े खरीद के दूंगा। नहीं अबू, मुझे अभी चल कर लेके दे। बेटा जितना करो, मैंने आपको कहा है शाम को आपको नए कपड़े खरीद के दूंगा। ठीक है अबू, लेकिन मुझे आज जरूर लेके देना। बेटा मैं कोशिश करके पैसे कहीं से भी हाथ करके आपको कपड़े खरीद के दूंगा। ठीक है अबू, अभी मैं घर जाता हूँ। ठीक है बेटा, अभी तुम चलो, मैं भी जल्दी आता हूँ। एक माह हुआ है वडेरे से पैसे मांगते हुए, लेकिन हर बार कहता है कि कुछ दिन बाद आओ, मगर आज फिर जाके देखता हूँ, अल्लाह करे कि पैसे दे दे। डेरा सही, आपको तो पता है कि ईद आने वाली है, कुछ पैसे चाहिए बच्चों के कपड़ों के लिए और घर के राशन के लिए। सारा फसल टिड्डी दिल ने तबाह कर दिया, सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। ऊपर से लॉकडाउन लगा पड़ा है, अब तुम ही बताओ कहां से पैसे ला कर दूं। अबा जान, टिड्डी दल ने तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि टिड्डी दल ने तो पूरे मुल्क की फसलें तबाह की। फिर भी साजन की मेहनत के बदौलत हम किसी बड़े नुकसान से बच गए हैं। चुप करो, हर बात पे तुम्हारा फिजूल बहस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कभी खामोश भी रहा करो। गिरवी साहब, आपके पास 2-4 हजार जरूर होंगे, आप मुझे फिलहाल 2-4 हजार दे दें, मुझे घर के लिए राशन और बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। अरे भाई, अभी तक तो मैंने अपने लिए भी कपड़े नहीं खरीदे, तो तुम्हें पैसे कहाँ से दूं। लेकिन अबू जान, हमने तो हमारे लिए कपड़े खरीद लिए हैं। तुम्हें पहले भी कहा है, तुम चुप रहो, हर बात पे तुम अटके रहते हो। डेरा सही, आज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर मैं कब आऊँ। जब लॉकडाउन खत्म होगा, बैंकें खुलेंगी, फिर आ जाना। अबा जान, लॉकडाउन तो जरूर है, लेकिन बैंकें तो खुली हुई हैं। डेरा सही, पता नहीं कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। अरे बाबा, कुछ दिनों की तो बात है। अरे बेटा बेटा सुनो, कहाँ जा रहे हो नाराज होके, 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे भी नए कपड़े लेके दे, मैं भी ईद के दिन पहनूंगा। बेटा शाम को वडेरे साईं से पैसे लेके मैं आपको कपड़े खरीद के दूंगा। नहीं अबू, मुझे अभी चल कर लेके दे। बेटा मैं अभी काम कर रहा हूँ, काम से फारिग होकर वडेरे साईं से पैसे लेकर आपको मैं नए कपड़े खरीद के दूंगा। नहीं अबू, मुझे अभी चल कर लेके दे।
सारा फसल टिड्डी दल ने तबाह कर दिया सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। जब लॉकडाउन खत्म होगा बैंकें खुलेंगी फिर आ जाना। अब आ जान, लॉकडाउन तो जरूर है लेकिन बैंकें तो खुली हुई हैं। मटेरा साईं, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। अरे बाबा कुछ दिनों की तो बात है। अस्सलामुअलैकुम रईस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम मिस्टर जी, साहब खैर से? ठीक ठाक ठीक ठाक, आप खुश हो? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक खुश हो? बैठो बैठो बैठो। मैंने सोचा कि ईद पे हम पुलिस वाले अक्सर ड्यूटी से फारग नहीं होते हैं, क्यों ना ईद से पहले ईद मिल जाऊं। शुक्रिया एस एच ओ साहब, ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आप हमारे पास चल के आते हैं। वडरा सिंह, मोहब्बतें तो आपकी हैं जो हमें आपके पास खींच लाती हैं, वरना लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं और हम भी बहाने बना के फिरते हैं। एसएचओ साहब, और सुनाओ दुनिया जहान की खबर? वडरा सिंह, और सब खैर खैरियत है। मैं जरा जल्दी में हूँ, बस ईदी चाहिए, ईदी दे दें, मुझे गश्त पे जाना है। हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया वडेरा सही, बड़ी मेहरबानी। तो फिर अभी मैं निकलता हूँ। एसएचओ साहब, थोड़ी देर और बैठते हैं, गपशप करते हैं। बड़ी मेहरबानी। अरे एसएचओ साहब बैठो, इतनी जल्दी क्या है? नहीं वडेरा सही, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, गश्त पे जाना है, फिर मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया वडेरा सही, शुक्रिया। आबाद रहो, आबाद। काफी दिनों से आप नाराज नाराज लग रहे हो, क्या बात है? अबूजान, आपने कुछ ऐसा किया है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपसे बात करूं। क्या हुआ बेटा, आखिर क्या मसला है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अबूजान, आपने साजन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक थानेदार को तो आपने ईदी दे दी, लेकिन साजन बेचारे को लॉकडाउन का बहाना करके आपने खाली हाथ लौटा दिया। और उस बेचारे ने कौन से लाखों की फरमाइश की, उसने तो 2-4 हजार मांगे थे, वो भी आपने उसको नहीं दिए। बेटा बेटा बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा, सुनो तो सही। शायद बेटा सही कह रहा था, मैंने वाकई में साजन के साथ नानसाबी की है। आए हो साजन? वडेरा सही, आपको तो पता है कि ईद आने वाली है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, बच्चों के कपड़ों के लिए और घर के राशन के लिए। सारा फसल टिड्डी दल ने तबाह कर दिया सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। अबाजान, टिड्डी दल ने तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि टिड्डी दल ने तो पूरे मुल्क की फसलें तबाह की हैं। फिर भी साजन की मेहनत के बदौलत हम किसी बड़े नुकसान से बच गए हैं। अबाजान, आपने साजन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक थानेदार को तो आपने पैसे दे दिए, लेकिन साजन बेचारे को आपने लॉकडाउन का बहाना करके खाली हाथों लौटा दिया। बेटा कहाँ हो तुम, तो काम का नाराज होके चले गए। अब नाराजगी छोड़ो, एक काम करो, घर की अलमारी में पैसे पड़े हैं, जितने तुम्हें चाहिए उतने निकालो, मुंशी के हाथों साजन को भेज दो। वालेकुम सलाम।
खैरियत से आए हो मुंशी? हाँ हाँ, खैरियत से आया हूँ साजन। वाडेरा साई ने भेजा है। वाडेरा साई ने भेजा है किस काम के लिए? वाडेरा साई ने कुछ पैसे दिए हैं आपके लिए।